दरभंगा बाजार में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पे। बिहार बोर्ड 11वीं में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज से होगी शुरू। किसानों ने पंचायत भवन पर किया प्रदर्शन। बेनीपुर सीओ ने क्षतिग्रस्त तटबंध का लिया जायजा। दरभंगा में लगातार बारिश से गहराने लगा बाढ़ का खतरा। 500 नए रोडों को चिन्हित करे आयुक्त। बच्चों के विवाद में हुई दो पक्षों में मारपीट। मनिकाछी में शराब लदा ट्रक जब्त, चालक गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। बिहार बोर्ड 11वीं में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज से होगी शुरू। बिहार बोर्ड से 11वीं कक्षा में दाखिले का इंतजार कर रहे छात्र छात्राओं के लिए अहम खबर है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB आज यानी कि 19 जून 2021 से 11वीं में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करेगा। ऐसे में जिन छात्र छात्राओं को इस कक्षा में प्रवेश लेना है, वे आधिकारिक वेबसाइट www.ofssbihar.in पर जाकर डिटेल चेक कर अप्लाई कर सकते हैं। वही छात्र छात्राएं ध्यान रखें कि प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 28 जून 2021 है। इसके बाद कोई प्रवेश स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मैट्रिक मार्कशीट जो कि नेट पर उपलब्ध हो, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी लगेंगे। KRC कॉलेज खड़ारी जो कि बहेड़ी दरभंगा में स्थित है, आपके करियर के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। किसानों ने पंचायत भवन पर किया प्रदर्शन। पैक्स में गेहूं की खरीदारी नहीं होता देख आक्रोशित किसानों ने कटका पंचायत भवन पर प्रदर्शन किया। हाथों में तख्ती एवं बैनर लिए किसान अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। नारेबाजी कर रहे किसान गेहूं के समर्थन मूल्य की मांग सरकार से कर रहे थे। अविलंब गेहूं की खरीदारी शुरू नहीं करने की स्थिति में किसानों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। भड़वाड़ा कमतौर पथ पर गेहूं रखकर यातायात ठप करने की चेतावनी किसानों ने दिया। किसानों का कहना है कि बाढ़ का समय आ गया है, लेकिन पैक्स गेहूं की खरीदारी नहीं कर रहा है। लगातार हो रही बारिश में गेहूं खराब हो रहा है। कुशेंद्र झा, रेणु कुमारी, किरण झा, लाल पासवान, अमित सिंह, राजन कुमार, सुबोध ठाकुर आदि ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पैक्स में गेहूं की खरीदारी शुरू करने के लिए BCO, BDO, DM, स्थानीय विधायक सह मंत्री जीवेश कुमार तक गुहार लगाई। गेहूं की खरीदारी शुरू करने का भरोसा तो मिलता रहा, लेकिन अब तक पैक्स गेहूं नहीं खरीद रहा है। इस संबंध में पैक्स अध्यक्ष राम इकबाल यादव ने बताया कि गेहूं खरीद का आदेश नहीं मिलने से खरीदारी शुरू नहीं की गई है। इधर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बताया कि ज्ञापन BDO सहित स्थानीय विधायक सह मंत्री को भी भेजा जा रहा है। बेनीपुर सीओ ने क्षतिग्रस्त तटबंध का लिया जायजा। बेनीपुर में जीवछ एवं कमला नदी के तटबंध का निरीक्षण सीओ भुवनेश्वर झा ने किया। कन्होरी कमला नदी का क्षतिग्रस्त तटबंध का निरीक्षण किया। सीओ ने बताया कि सड़क किनारे से नदी गुजरने तथा बीते दो दिनों में बारिश होने के कारण कन्होरी में कमला नदी का तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया है। इसकी मरम्मत कर लेना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जिला आपदा प्रबंधन को क्षतिग्रस्त तटबंध की शीघ्र मरम्मत करवाने के लिए रिपोर्ट भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि दो तीन दिनों से हो रही झमाझम बारिश से कमरा एवं जीवछ नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है, लेकिन बाढ़ का खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि कमरा एवं जीवछ नदी के क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मत करवाने के लिए पूर्व में ही जल निरसरण विभाग को कहा गया है। उन्होंने मलौल मुसहरी टोड़ा स्थित लेस्ट प्लेटफॉर्म का भी निरीक्षण कर PHED विभाग के JE को चपाकर एवं सुचारी की मरम्मत करवाने को कहा। दरभंगा में लगातार बारिश से गहराने लगा बाढ़ का खतरा। जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जिले में बाढ़ की आशंका गहराने लगी है। कमरा, बलान, जीवछ, अधवाड़ा, कोसी आदि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि सभी नदियों अभी खतरे के निशान से नीचे हैं, लेकिन बाढ़ की आशंका से नदी किनारे बसे गांवों के लोगों ने ऊंचे स्थानों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं विभाग की ओर से तटबंध मरम्मत का काम तेज कर दिया गया है। 500 नए रोडों को चिन्हित करे आयुक्त। प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार ने क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी दरभंगा कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण में सरकारी बस परमिट, सवारी ठेका गाड़ी परमिट, मालवाहक परमिट, संपूर्ण भारत नेशनल परमिट, संपूर्ण भारत पर्यटन परमिट, निजी सेवा वाहन परमिट का निगरमन परमिट का प्रति हस्ताक्षर, अभिकर्ता अनुज्ञप्ति, ट्रांसपोर्ट एजेंट अनुज्ञप्ति, कैरेज बाय रोड एक्ट 2011 के तहत अनुज्ञप्ति निर्गमन की समीक्षा की गई तथा कार्यालयों के विभिन्न पंजीयों के संधारण की स्थिति का निरीक्षण किया गया। इस दौरान संबंधित लिपिक सहायक की उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए आयुक्त ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है, इसलिए वाहन परिचालन के लिए दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर जिलों के लगभग 500 नए रूट चिन्हित किया जाए, जिन्हें विभाग को अनुशंसा प्राप्त करने को भेजा जा सके, ताकि दरभंगा एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों के आवागमन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
बच्चों के विवाद में हुई दो पक्षों में मारपीट। डीएमसीएच में भर्ती गोली से घायल एक लाख कुरेसी ने बताया कि सद्दाम और शकील के बीच बच्चों के बीच हुए विवाद के कारण मारपीट हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि बंदूक और तलवार से एक दूसरे को मारने लगे। हम लोग उसी गांव के रहने वाले हैं, मारपीट के समय वहीं थे। एक गोली मेरे कंधे में लग गई और गोली आर पार हो गई। वहीं खड़े इलियास के बाएं पैर में भी गोली लग गई। गांव के ही मोहम्मद साहिद को भी बाएं हाथ को गोली छूते हुए निकल गई। डीएमसीएच में अभी चार लोग भर्ती हैं। इस घटना में गंभीर रूप से घायल इस मोहम्मद की मां ने बताया कि मेरा बेटा बेला से सीमेंट लाने गया था। मेरी बात उसे मोबाइल पर हुई थी, लेकिन आधे घंटे बाद फोन आया कि आपका बेटा मारपीट में बुरी तरह घायल हो गया है। घटनास्थल से मेरा घर काफी दूर है और दौड़कर हम लोग पहुंचे तो देखा कि मेरा बेटा खून से लथपथ सड़क पर बेहोश पड़ा था। स्थानीय लोगों और पुलिस के सहयोग से किसी तरह अस्पताल लाए। होश आने पर उसे पूछा गया तो बताया कि सद्दाम और शकील के बीच मारपीट हो गई। हम भी वहीं खड़े थे तो एकाएक शकील और उसके लोग मुझे तलवार और हुक्के से स्टिक से मारने लगे। मनिकाची में शराब लदा ट्रक जब्त, चालक गिरफ्तार। मनिकाची के प्रशिक्षु डीएसपी सह प्रभारी थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह के नेतृत्व में गुरुवार की शाम एसआई राशिद सिद्दीकी, एएसआई बचन पासवान एवं सशस्त्र बलों के जवानों की पुलिस टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब लदे ट्रक को चालक सहित जब्त कर लिया है। उत्पाद विभाग की सूचना पर फोरलेन के टोल प्लाजा के निकट वहां खड़े ट्रक की तलाशी के लिए मनिकाची की पुलिस पहुंची। पुलिस को देखकर उसमें बैठे चालक ट्रक से उतरकर भागने लगा, जिसे मनिकाची की पुलिस ने खदेड़कर पकड़ लिया। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें से शराब के कार्टन निकले। ट्रक पर ऊपर से गेहूं का भूसा लदा था और नीचे शराब के कार्टन रखे थे। पुलिस ट्रक को जब्त कर थाना पर ले आई। जानकारी के अनुसार ट्रक में करीब 400 कार्टन शराब मिले हैं। थाना सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चालक लुधियाना के जलगांव निवासी हरवंश सिंह का पुत्र गुरमीत सिंह है, जो कि चार जलपाईगुड़ी से ट्रक लेकर नागपुर जा रहा था। बताया जाता है कि चालक की जेब से मिले कुछ कागजातों में 350 कार्टन शराब होने की उम्मीद है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दरभंगा बाजार।